नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसे ही फैमिली के पास आए हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं और हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त वो किन हालात में जी रहे हैं, क्या मुश्किलात होती हैं और ये सब मसाइल झेलने के बाद, ये सदमा, ये हादसा बर्दाश्त करने के बाद उनके घरेलू हालात किस तरह हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या दुश्वारियां हैं और क्या मुतालबा है। आइए हम आपको उनके घर लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आप? शाहिद। शाहिद साहब, क्या हुआ आपको, कैसे ये हादसा रूनुमा हुआ? भाई, मैं रोड पार कर रहा था, इधर से रोड पार कर रहा था तो इधर से उल्टे हाथ से मोटरसाइकिल वाला आ रहा था बड़ी स्पीड में, उसने मेरे को मारा। हाँ, उसने मारा, वो रुका भी लेकिन वो बुड्ढा आदमी था, वो बेचारा खुद रो रहा था। फिर मैंने उस टाइम पे तो मेरे को पता नहीं चला, बाद में मैं जब रक्शे में बैठ कर आया इधर घर के ऊपर तो मेरे को पता चला मेरी टांग टूट गई। कितना अर्सा हुआ है इस हादसे को? एक महीना हुआ। एक महीना हो गया है, तो आपका ये इलाज किस तरह हो रहा है, कौन कर रहा है, हुकूमत करिए, खर्चा कौन उठा रहा है? हम खुद ही उठा रहे भाजी, जो बात है हुकूमत कोई भी नहीं उठा रहा, मैं खुद मजदूरी करता हूँ अकेला, मेरे दो गुड़िया है, एक मेरी माँ बेटी है, मेरी बीवी है। एक महीना हो गया, मेरे किराए का मकान है, मैं इधर ही रहता हूँ। एक महीना हो गया है, आप बिस्तर पे हैं, घर का निज़ाम कैसे चल रहा है, कौन कर रहे हैं? बस घर में एक बच्चों की चीज़ें बेच रहे भाजी, देखो आप पीछे लगी हुई लटकी हुई है, ये बेचते बस अल्लाह ताला कुछ अच्छे लोग मोहल्ले में जो बेचारे 200-400 रुपये से कर देते। तो आप हुकूमत से, क्योंकि पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनाना हुकूमत का काम है, हुकूमत का फ़र्ज़ है, बल्कि उनको इस चीज़ के टैक्स मिलता है, पैसा मिलता है, अब वो पैसा कहाँ गया वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन आप हुकूमत से इस वक्त क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत क्या देगी मेरे को, यहाँ जिनके पास काम करता हूँ उन्होंने कुछ नहीं दिया तो किसी से क्या उम्मीद रखेंगे, हुकूमत से तो वैसे ही उम्मीद नहीं है। चाहते क्या हैं आप? यही चाहते कि कुछ हेल्प कर दे गरीब की, तो अल्लाह मेरा घर का निज़ाम चल जाएगा, मेरे बच्चों का निज़ाम अच्छा हो जाएगा, मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा। हुकूमत नाम कोई मदद तो करे, गरीब आदमी की किराया का मकान है, हैं? और फिर एक बात, अगर रोड पार करके बूढ़ी औरतें या जवान जावे तो मतलब एक्सीडेंट से मार देते हैं, तो कमाने के लिए निकला था आया मार गया, कोई दाद फरियाद ही नहीं है कहीं। नाज़रीन, इन हालात में भी इनके फैमिली ने खुददारी को नहीं छोड़ा और वो किस तरह गुजारा कर रही हैं वर्किंग वूमेन बनके, किस तरह अपना, अपने शौहर का, अपनी सास का और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, वो हमें ये दिखा रही हैं। अब ये जैसा हो सकता है मैं वैसा कर ही रही हूँ, किससे मांगूँ, जाहिर सी बात है कोशिश मेरी यहीं तक, इससे कितना गुजारा हो जाएगा, इससे तो घर का किराया भी नहीं दिलता, सिर्फ इतना हो सकता है कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ, बच्चों का पेट टाइम पे उनका भर दूं, ना इससे कोई किराया दिल सकता है, ना इनसे दवाइयाँ दिल सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई दुकान नहीं है, ये बच्चों की चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं आपके सामने ही है, जो कर सकते हैं जो आप बेहतर करिएगा और उनके लिए कर सकते हैं तो उनके लिए मदद कीजिए, मेरी बस आपसे मेरी यही गुजारिश है। आमना, बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। अच्छा, अभी आप कहाँ से आ रही हैं? मदरसे से पढ़ के आ रही हैं। अच्छा, घर पे आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मसला होता है? नहीं नहीं होता। आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, ये जो हालात हैं आप मुतमईन हैं? अच्छा, दुकान पे कौन बैठता है? हम। आप बैठती हैं जी? रोज़ रोज़ कभी कभी? कभी कभी। तो फिर अगर दुकान पे बैठती हैं तो फिर आप पढ़ती कैसे हैं, टाइम मिलता है आपको पढ़ने का भी? आने के बाद आप बैठती हैं। अच्छा आयशा, आप बड़ी होकर क्या बनेंगी? आप ही तो डॉक्टर बनेंगी, आप क्या बनेंगी? डॉक्टर। आपने भी डॉक्टर बनना है?